व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज है फ्राइडे, ठीक है। तो जुम्मा मुबारक, दुआओं में याद रखना, मैं भी याद रखूंगा। एंड सेकेंड थिंग जो आज बात करनी है वो ये कि यार आज मेरी कज़न है, उसका है निकाह, ठीक है। और मुझे उसने बुलाया है एज अ वेटर के लिए नहीं बुलाया मुझे, मतलब एज अ गेस्ट तो बुलाया है क्या वेटर जी ना, एज अ गेस्ट उसने मुझे बुलाया है, वेटर नहीं, कैसे बताऊँ मैं, समझ नहीं आ रहा। एज अ फोटोग्राफर बुलाया मुझे, फोटोग्राफर समझते हो, फोटोग्राफी करेंगे हम। ये रहा कैमरा, सुबह मैंने निकाल लिया, आपके भाई ने दोनों लेंस रख लिए और चार्ज तो देख लिया। हाँ चार्ज है नहीं, वो तो देखने, इतने टाइम से यूज़ नहीं किया ना तो भूल गया यार कैसे खोल देते। इसको यहाँ से किया ऑन, बैटरी दिखाओ, अरे बैटरी फुल है भाई। और ये क्रिएटिव पे किसने रखा हुआ है, अब यार भाई कैमरा चेक, एक चीज़ तो चेक कर लिया हमने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कैमरा। अब दूसरा कपड़े और बालों को, मैसी हेयर नहीं यार, क्या कहते हैं उसको, चिड़िया का घोंसला। खैर बाल वाले अच्छे से सेट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो आपको पता है यार जुम्मे वाले दिन टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, मजाक मस्ती बहुत हो गई है। मुझे अपना लैपटॉप भी चेक करना है, काम भी देखना है और नहाना है, नहाने के बाद तैयार होना है, तैयार होने के बाद नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद मुझे अपने कज़न के घर जाना है, वहाँ जाके पहले उसका करना है शूट, और शूट करने के बाद जाना है दोबारा मस्जिद, असर में है निकाह, तो वो निकाह पढ़ने के बाद फिर वापस उसके घर जाना है और पूरा दिन बिजी। तो चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी लानी ले आओ और 10 मिनट के लिए फ़ोन छोड़ के नहीं जाना, आओ मेरे साथ। अरे यार लड़कियों से तो मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सा कुर्ता पहनूं आज, ओ मतलब कौन से कपड़े पहनूं। वे भाई उसको तो अंदर रखो, यही तो सबसे ज़्यादा महंगा है अभी, और यही मतलब आज के दिन की जान है, शान है, मान है और जुलाब है। बंद हो जा अबे यार, एक हाथ से ब्लॉक करके कुछ नहीं होता, काश मेरे 3 से 4 हाथ होते, बेंटन की तरह यार, उसके 4 आर्म्स वाला एलियन था ना, ऐसा भी कोई एलियन होता। ओह डन गाइस, फाइनली कुर्ते की सिलेक्शन हो गई है और ये प्रेस भी हो गया है, तो अब जाते हैं नहाते हैं और इसके बाद उसको पहनते हैं। तो गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बाल बनाता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अजानें भी हो रही है बाहर। 2000 years later गाइस ये देखो इट्स 2:00 और नमाज मैंने पढ़ ली है, एंड अब करते हैं तैयारी इन अ सेंस। यार मैं बैग वगैरह पैक कर लूँ जो मुझे लेके जाना है, बिकॉज कैमरे को ऐसे हाथ में लेके तो नहीं जाऊँगा। चलो अपने छोटे कज़न को पकड़ता हूँ, लेके चलता हूँ उसको, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो इतना सब नहीं कर सकूँगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। सो चलो यार, आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त है यार, आज मेरे से मुझसे मेरी नई गर्लफ्रेंड मिलने, मतलब मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड, मेरी एक्स वापस आ गई है। हाय शामी बेबी, यू आर लुकिंग सो क्यूट बेबी, बेबी बेबी तुम फ्राइडे को आई हो मुझसे मिलने, मैंने दुआ मांगी थी और मैंने मांगा था तुम मुझे मिल जाओ, तुम मुझे मिल गई बेबी। अच्छा तो भाई आज निकाह में मैं अकेला तो नहीं आऊंगा, मैं इस चूजे को भी लेके जाऊंगा अपने साथ, ठीक है सुमन। सही क्या होता है, बोले जी 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 हाँ बेबी, और कुछ चाहिए तुम्हें, तुम सिर्फ पानी पियोगी, मैं तुम्हारे लिए जूस ले आऊं। रोजा खोलना तंग नहीं करो, रोजा खोल लो, इस टाइम कौन सा रोजा होता है भाई, हमने रखा है, कहाँ रखा है, वहीं जा कोई आता जाता नहीं। पैकिंग शुरू कर दी है हमने, सही से डाल, एक क्लॉथी मेरे पास महंगी चीज़ है, ये चली जाएगी तो फिर मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा। तो भाई ये उठाया वॉलेट, ये की उठाई, ये उठाया फोन, चलो दोस्तों। खरोस से तैयारियां चल रही हैं घर में, कोई भी रेडी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसको ब्लू वाले को ऐसे रखेंगे क्योंकि इसमें हमारी अच्छी पिक्चर जाएंगी और इसमें अच्छी नहीं आएंगी, ठीक है, ये बेस्ट है। और ये किस भालू के लिए आए हैं, ठीक है ओके। खुलो कमरे का 0.5 पे, ठीक है गुड है ना, बस यहीं पे निकाह होगा, दुल्हन का, ब्राइड का और दूल्हे का मस्जिद में। भाई ब्राइड ही रेडी नहीं है, मतलब फोटोग्राफर पहले आ गया, वेटर नहीं फोटोग्राफर पहले आ गया, मतलब मैं पहले आ गया, मतलब उसामा पहले आ गया, ब्राइड रेडी ही नहीं है, ब्राइड ने इवन मूवी भी दिखाया, ब्राइड वो क्या कहता हूँ बालों को स्ट्रेट करते ना स्ट्रेटनर से, हाँ वो गर्म करके वो कर रही है, तो वो करेगी, इसके बाद वो रेडी होगी, तकरीबन 1 घंटा और लगेगा, टाइम देख सकते हो आप लोग, 3 बज रहे हैं।
भाई इस रूम में दोबारा से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। मॉडिफिकेशन मतलब ये क्या कहते हैं इसको, दरी, चांदनी, टेबल, साइड वाला सोफा, एक सोफा यहाँ रख दिया भाई। अब ये मतलब ये लास्ट मॉडिफिकेशन, इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन होगी तो फिर कोई बैठ नहीं सकेगा यहाँ पे। देख रहा हूँ 4 बज गए, 4। हाँ हाँ आ रहा हूँ। एक तो खुद लेट कर रहा हूँ, फिर मेरे को कह रहा हूँ आओ आओ सामा आ जा माई फ्रेंड। फोटोग्राफर इज हियर, कबूल है। दूल्हे दुल्हन का नाम दोनों है, उल्टा है। मैं तभी बोलूँ मुझसे पढ़ा क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा शायद मैं भूल गया, शाहरोज की दुल्हन। नाइस, ओके इसको खुला रखो, अच्छा लगेगा फिलहाल शूट के लिए। शूट के हाँ, इसको थोड़ा सा लटका दो। ओके फाइन यार, ये येलो लाइट्स वाइट नहीं है हमारे पास। ओके देख अच्छी अंधेरी में कुछ नहीं आती। अब तो मोबाइल की टॉर्च जला दूंगा मैं, बोल दो। ओके फाइन, ऊपर देखो, इतना ऊपर देखो, ऊपर मतलब लाइट की तरफ। ओके स्माइल, ओके स्माइल, ओके स्माइल, ओके स्माइल, ओके नाइस, वेरी नाइस। ये शर्मा के नीचे देखो, गुड। सामने मेरी आंखें से यानी मैं पहले बोली थी आंखें एक छोटी पड़ी आती है। कोई बात नहीं, नहीं क्या कोई बात नहीं, ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, इसमें मेरा क्या कसूर। नहीं तो तू सही से मुझे बता रहा है कि पीछे सही नहीं आती है, अरे गजरे कहां रह गए। ओके चलो दादी माय स्माइल, ओके रबिया नजर नीचे, वेरी नाइस, घूंघट ऊपर डाल दो पूरा। तुम दुल्हन का ना मेकअप खराब करोगे। कोई बात, आप फिर ऐसे व्लॉग बना रही हो, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। हाँ गुड, आपको पैसे नहीं दूंगा मैं अगर आपने ऐसे बनाया तो, खाना भी नहीं। कैंडिडेट्स के लिए हंसो, स्माइल करो, दादी माँ आप भी हंसते रहो, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग। चलो एक किस कर दो दादी माँ, एक पप्पी, एक पप्पी इस गाल पे, एक उस एक दूसरे गाल पे, ठीक है। वो आपका कैमरा आ रहा है, हटो भाई। अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद का। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गया मैं, और आप बोल लोगे कि यार इतना सारा पार्ट स्किप होके एकदम से यहाँ कैसे आ गया। तो मैं इस तरह से आया यार कि जैसे मस्जिद में एंटर हुए ना यार, इसके बाद तो सबसे मिलना जुलना, गले वले मिलना, दूल्हे को घर पे लेकर आए, फिर वहाँ पे भी सब मिले, फिर मैंने ब्राइड और ग्रूम दोनों की पिक्चर्स ली और खाना वाना खाया। इतना रश, मतलब पूरी फैमिली साथ थी तो व्लॉग मतलब खोलने का मतलब खोल ही नहीं सकता था, इतना बिजी हो गया था। और इसके बाद मैं अभी घर आया हूँ, घर बज के 8:30 बज रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ठीक है। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। लव इज एंड गुड बाय।